फरदीन, तुम घर पर हो? मैं तो समझी तुम कहीं बाहर गए हुए हो। गया हुआ था बाहर, अभी अभी आया हूँ। कहीं जा रही है? बेटा तैयार हो क्या? हाँ, मैं और तुम्हारे डैड दुबई जा रहे हैं। तो भाई सुनो, ऑल ऑफ अ सडन खैरियत? ऑल ऑफ अ सडन कहा? तुम्ही ने तो कहा था जाने दी। वेट अ मिनट, अब आप दोनों मुझे एटीट्यूड देंगे? किस तरह बात कर रहे हो? तमीज है बात करने की? आप मुझसे किस तरह बात कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हो उस दिन मैंने टेंशन में या बेख्याली में आपसे कुछ कह दिया तो आपने इस बात को सीरियस लिया और दुबई जाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, आप दोनों ने अगर माइंड मेकअप कर लिया दुबई जाने का, जरूर जाए, मुझे मेरा और इस घर का खर्चा देके जाए। तुम बड़े हो गए हो, बल्कि बहुत बड़े हो गए हो, तो घर का खर्च हम क्यों चलाएंगे? तुम खुद ही चलाओगे। Can you even talk to me like this? Excuse me? You very well know I don't even earn a penny. मैं एक रुपया भी नहीं कमाता और आप? लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं। बुरे वक्त में एक इंसान के माँ बाप तक उसका साथ छोड़ देता और तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तुम इस बुरे वक्त तक अपनी हरकतों की वजह से पहुंचे हो। काश मैंने तुम्हारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी ना की होती तो आज तुम्हें ये तकब्बुर भी ना होता। अब बद्दुआ दे रहे मुझे? अरे मैं तुम्हें बद्दुआएं नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं तो इस बात का इतराफ करता हूं कि तुम्हारा साथ देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारी जिंदगी खराब की है और अब तुम्हें अकेला इसलिए छोड़कर जा रहा हूं कि शायद तुम सुधर जाओ, वरना ये समझना कि तुम्हारे मां बाप तुम्हें बेयारो मददगार छोड़कर मर गए। एक मिनट, आप दोनों मुझे आग कर रहे हैं? नहीं, आप दोनों ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें खुदा का खौफ है या नहीं? मैं औलाद हूं आपकी, आप मुझे आग कैसे कर सकते हैं? अरे इस बात की इजाजत हमारा मजहब भी नहीं देता है। तो हमारा मजहब तुम्हें ये इजाजत देता है कि तुम अपने माँ बाप से स्टोन में बात करो? स्टॉप इट डैड। खबरदार, तमीज मत करना, घर से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा प्लीज चले ना, देर हो रही है। तुमने अजमिया को सड़क पर पहुंचा दिया था ना, उसे तो पनाह मिल गई, मगर तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, इसलिए वक्त सुधर जाओ। चलिए प्लीज।